Hey guys, आज हम रिव्यू करने वाले एक इंटरेस्टिंग से डिवाइस जो दिखने में AirPods से काफी सिमिलर है। जी नहीं, AirPods with a display। प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं उसके पहले एक अनबॉक्सिंग जरूर देख लेते हैं। बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ फ्रंट में बस ईयरबड्स की फोटो है और ANC ENC और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मेंशनड है। बॉक्स के साइड्स में तो कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन बॉक्स के बैक साइड पे यहाँ पे ईयरफोन सेकंड जनरेशन विद मैक्सिव चार्जिंग केस और ये सेम चीज़ आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, चार्जिंग केबल और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। तो अब आते हैं इसके मेन डिवाइस पे। मेन डिवाइस के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइन, इसकी लुक एंड फील दोनों ही काफ़ी सिमिलर है एप्पल के AirPods Pro से, एक्सेप्ट ये डिस्प्ले के। ईयरपीस भी एप्पल AirPods Pro से काफ़ी सिमिलर है। ईयर फिट एंड कम्फर्ट की बात की जाए तो काफ़ी सिमिलर सा फिट है, काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग। साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो इसमें काफ़ी डिसेंट सा म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, बेस वगैरह भी काफ़ी अच्छा है इसमें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है इसकी डिस्प्ले। ये डिस्प्ले ग्लास से बनी हुई है। इनिशियली मेरे को लगा कि मे बी ये प्लास्टिक या फाइबर से बना हुआ हो, टच टू वेक है, या फिर अगर आप लिड ओपन करते हो तो भी ये डिस्प्ले ऑन हो जाती है। स्वाइप टू अनलॉक है फर्स्ट ऑप्शन, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे प्ले पॉज का या फिर प्रीवियस या नेक्स्ट ट्रैक पे जाने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्टर्स मिलते हैं, और थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन का। एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन जो कि एक्चुअली वर्क करता है इसमें, अगर आप जिम में हो, काफ़ी एक क्राउडी एनवायरनमेंट है या फिर बैकग्राउंड में कोई और म्यूजिक चल रही है, तो आपको एक थोड़ा बहुत आइसोलेशन आपको दे ही देता है। ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता, दिस इज़ नॉट गिमिक, दिस एक्चुअली वर्क्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं इक्वलाइजर का, जो अगेन काफ़ी यूज़फुल है आपके म्यूज़िक एक्सपीरियंस के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ बेसिक ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि स्टॉपवॉच, ब्राइटनेस एडजस्टर, लैंग्वेज सेटिंग्स, स्क्रीन लॉक एनिमेशन, और यहाँ पे आपको फाइंड माई ईयरफोन्स वाले भी मिल जाते हैं जो अगेन वर्क करता है, और क्लॉक और आपके कैमरा के लिए एक शटर बटन भी यहाँ पे मिलता है। ओवरऑल डिस्प्ले काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, यूज़फुल है कि नहीं ये आप अपना व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता ही होगा कि ये चीज़ आखिर बना ही क्यों, आखिर क्यों एक रैंडम चाइनीज़ कंपनी जो ऐसे नॉक ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है वो जाके एक AirPods में एक डिस्प्ले फिट कर दे। तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ। दी आंसर इज़ एप्पल ने पेटेंट फाइल किया था ईयर 2022 में, जिसमें AirPods विथ अ डिस्प्ले हैविंग मेनी फीचर्स, जैसे कि आई मैसेज, एप्पल टीवी, वेदर ऐप, रेडियो ऐप, ऑडियो बुक्स, मैप्स, ये सब और छोटे मोटे फीचर्स के लिए थे। आप समझे कि ये वाली डिवाइस आई क्यों। वैसे ऑलरेडी एक सिमिलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है JBL के ब्रांड से, जो है JBL Tour Pro 2। तो एप्पल एक्चुअल में इतनी बड़ी कंपनी है, दे फाइल अ लॉट ऑफ पेटेंट, उन काफ़ी सारे पेटेंट्स वो फाइल करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे पेटेंट्स वो हमेशा इंप्लीमेंट करें। तो मे बी ये वाले कंपनीज के पास एक कुछ इंसाइडर न्यूज़ हो जो हमको नहीं पता हो, कि मे बी एप्पल इज़ वर्किंग, रियली वर्किंग ऑन सम सिमिलर प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए इन्होंने इसको मैन्युफैक्चर कर दिया और ऑलरेडी दे हैव लॉन्च्ड इट। अभी इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये वाला जो नॉक ऑफ प्रोडक्ट है वो आपको 2000 से लेके 3000 रुपीज़ तक मिल जाएगा। मे बी आपको इनफैक्ट और कमिंग डेज में सस्ता होते ही जाता है, क्योंकि सेम चीज़ अगर आपने AirPods या फिर कोई भी आपने अगर कोई इसके पहले कोई एप्पल के कोई कॉपी प्रोडक्ट को आपने परचेस किया हो तो आपने नोटिस ही किया होगा ये वाले ट्रेंड को। स्टार्टिंग में जब भी कोई प्रोडक्ट आती है तो देन द प्राइस इज़ लाइक 3000 या फिर 2000 रुपीज़ कॉपी प्रोडक्ट्स के भी, लेकिन जैसे कि जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाती है तो उसकी प्राइस काफ़ी कम होती है, मे बी 1500 उस रेंज में आपको ये वाला देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।